नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज। जी हां, एक कुआं मौत का कुआं बन चुका है। ये खबर कुशीनगर से है, जहां जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव के स्कूल टोला के पास में शाम एक कुएं पर हल्दी की रस्म हो रही थी। और शादी के पहले हिंदू धर्म में कुएं पर हल्दी या फिर मटकोड़ की रस्म अदायगी होती है, और उसी रस्म के बीच कुएं पर पड़ा स्लेप अचानक से टूट जाने से कुएं पर खड़ी महिलाएं कुएं में जा गिरी और पानी होने के कारण उनको बचा पाना मुमकिन नहीं था। अफरा तफरी के माहौल में पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी गई और पुलिस तो समय से मौके पर पहुंचकर बचाव में जुट गई, लेकिन एम्बुलेंस समय से न पहुंचने का लोगों ने आरोप लगाया है। इस हादसे की शिकार दो बच्चे सहित 13 महिलाओं की डेड बॉडी जिला अस्पताल के मॉर्चरी हाउस में पहुंच गई है। घटनास्थल व जिला अस्पताल पर पुलिस आवश्यक कार्यवाही में जुटी हुई है। मौके पर जिलाधिकारी SR S Rajalingam पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और जिला अस्पताल में मॉर्चरी हाउस का निरीक्षण किया, जहां शव रखे गए हैं। तो मातम में बदली शादी की खुशियां, क्योंकि शादी की हल्दी रस्म के दौरान यह बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां कुएं में गिरने से दो बच्चियों समेत 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और CM ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, जहां शादी की खुशियां अचानक ही मातम में बदल गई हैं। हल्दी रस्म के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, कुएं में गिरने से बच्चियों समेत कुल 13 लोगों की मौत हुई है। दुखद हादसा हुआ, ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था, और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था, और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेड वो था। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज यहाँ पे मार्चोरी में हैं, और सारे महिलाएं और बच्चियाँ हैं, और दो की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। अभी उनकी स्थिति यहाँ आने के बाद पता चलेगा। स्थानीय जो ये गांव है, इसमें परमेश्वर कुशवाहा जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम था, उसी में कुएं पे एक रस्म के लिए गांव की महिलाएं इकट्ठा हुए थे, उनके परिवार के और कुछ अन्य महिलाएं थीं, वो इकट्ठा हुए थे। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है, जिस कुएं का एक कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब हो टूट के हट गया, वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए, और इस सूचना को प्राप्त होने स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। और खबर दिल्ली से, जहां कुशीनगर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है, और यूपी के कुशीनगर में यह हादसा हुआ हृदय विदारक है, और इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, और स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। कुशीनगर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, और यूपी के कुशीनगर में यह हादसा हुआ है। कुशीनगर से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर यहां पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। आपको बता दें कि कुशीनगर में एक हल्दी की रस्म के दौरान ये हादसा सामने आया है, जिसमें अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है, और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है, जिसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, और उसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूँ। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है, यानी लगातार जो मदद है वो की जा रही है, लेकिन एक परिवार में खुशियां मातम में तब्दील हो गई, क्योंकि हल्दी की रस्म के दौरान एक कुएं की स्लैब अचानक टूट जाती है, और जिससे कुएं पर खड़ी महिलाएं कुएं में जा गिरती हैं।
और कुशीनगर हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, बचाव व राहत कार्य संचालित करने के आदेश हैं और हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने की भी बात कही गई है। तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं, बचाव व राहत कार्य संचालित करने के निर्देश और हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये ट्वीट किया गया है और लगातार इस ट्वीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुशीनगर हादसे पर मुख्यमंत्री योगी की ओर से दुख व्यक्त किया गया है। तो यह अहम खबर, जहां कुशीनगर हादसे पर एक ओर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी दुख व्यक्त किया गया है। तो कुशीनगर में मौत का कुआं देखने को मिला है और इसी हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से भी दुख जताया गया है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर कुशीनगर हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दुख व्यक्त किया है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कुशीनगर हादसे में अब तक कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कुल 13 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर कुशीनगर हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख व्यक्त किया है। कुल 13 लोगों की मौत इस भीषण हादसे में हो चुकी है। आपको बता दें कि हल्दी की रस्म हो रही थी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस पर संवेदनाएँ व्यक्त की हैं। हल्दी की रस्म के दौरान ही कुएं की स्लैब टूट जाती है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में विवाह से पहले हल्दी की रस्म होती है और इसे कुएं पर किया जाता है और यहीं पर ये रस्म चल रही थी, लेकिन इसी दौरान कुएं का स्लैब अचानक टूट जाता है और यहां पर खड़ी सारी महिलाएं सीधे कुएं में जा गिरती हैं। और आपको बता दें कि इस भीषण हादसे के बाद में अब मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। कुशीनगर से अहम खबर, जहां मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो कुशीनगर में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। तो 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और घायलों को 50-50 हज़ार की सहायता भी की जाएगी। और कुएं में गिरने से 9 लड़कियों सहित 4 महिलाओं की मौत हुई है। पीएम रिलीफ फंड से राशि देने का ऐलान किया गया है। करीब 1.5 दर्जन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। कुशीनगर से अहम खबर, और हल्दी के दिन मटकोड़वा की रस्म के लिए महिलाएं कुएं पर पहुंची थी, लेकिन अचानक ही कुएं के स्लैब टूट जाने से ये सीधा कुएं में जा गिरी और जिसके चलते यहाँ पर 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो कुशीनगर में मौत का कुआं देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से इस कुएं में महिलाएं समा गईं और उसके बाद उनकी मौत हो गई, इसको लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुशीनगर से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतू को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और मौत का कुआं कुशीनगर में सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि मौत का कुआं कुशीनगर में बना है, क्योंकि कुशीनगर में हल्दी की रस्म के लिए कुछ महिलाएं यहां पर पहुंची हुई थीं और यहां पर एकदम से कुएं का स्लैब टूट जाता है और जिसके बाद महिलाएं अचानक ही इस कुएं में जा गिरती हैं और जिसके बाद यहां पर कई महिलाओं की मौत हुई है। घायलों को 50-50 हज़ार की सहायता की बात कही गई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केदार यादव जुड़ चुके हैं। केदार, एक शादी की खुशियाँ उस वक्त मातम में बदल जाती हैं जब एक कुएं पर हो रही रस्म अचानक ही इन खुशियों को मातम में बदल देती है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या घायलों को पूरी तरह से, जो यहां पर घायल हुई हैं महिलाएं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? जी, आपको बता दें, कुशीनगर जनपद के नवरंगिया स्कूल टोला की घटना है, जो कल आज आज जो है बारात जाती एक
परमेश्वर कुशवाहा के लड़के की शादी था। आज बारात जाती, बारात से जाने से विवाह से पहले एक हल्दी का रस्म मनाया जाता है हिंदू धर्म में, उसी को लेकर के कुछ महिलाएं जो है कुएं के पास जाकर के हल्दी के लिए एक मटकोड़ कहा जाता है हमारे यहाँ, वो मटकोड़ कर रही थी। उसी दौरान कुआं जो है कुएं पे एक स्लेब था, कुएं पे स्लेब रखा गया था काफी पहले से, कुएं के स्लेब पे काफी महिलाएं चढ़ गई, जैसे लोग ग्रामीण बता रहे हैं 25 से 30 महिलाएं जो है कुएं पे चढ़ी थी। ऑटोमेटिक स्लेब टूटता है और कुएं के अंदर जो है सारी महिलाएं गिर जाती हैं। जिस तरह से अब तक जो है 13 महिलाओं की डेथ हुई है, बाकी लोगों का जो है जिला अस्पताल पे इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल केदार, क्या ये जो 13 महिलाएं हैं एक ही परिवार की, क्योंकि शादी में कई लोग आसपास के गांव के भी आते हैं, कई लोग परिवार के होते हैं, कई रिश्तेदार भी होते हैं, क्या अब तक ये बात सामने आ पाई है कि क्या ये जो महिलाएं जिनकी मौत हुई है इस हादसे में, क्या वो एक ही परिवार की हैं या फिर क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी आपको बता दें गांव के अगल बगल के एक एक परिवार से दो दो तीन तीन लोगों की मौत हुआ है, तो कुछ एक एक करके मौत हुआ है, लेकिन गांव के और कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ ग्रामीण गांव के लोगों के जो है एक एक घर के। जिस तरह से आपको बता दें कि नौरंगिया जो स्कूल टोला है पूरे गांव जो है एक मातम में छा गया है। बिल्कुल, यानी पूरे गांव में मातम देखने को मिल रहा है। जी केदार, क्या आप फिलहाल मौके वारदात पर ही मौजूद हैं? जी हम मौके पर हैं इस समय। देखिए जिस तरह से महिलाएं जो है काफी जो है बिलख रही हैं, रो रही हैं, इनके घर जो अभी जिनके दरवाजे पे खड़े हैं, तीन महिलाओं की जो मौत हुआ है, ऐसे ऐसे करके कि एक दो घर छोड़ करके हर दरवाजे पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस तरह से पूरे गांव जो है एक मातम में छाया हुआ है। जी बिल्कुल, यानी शादी की खुशियां एक पल में मातम में तब्दील होती हुई नजर आई हैं केदार, क्योंकि हमने देखा है इस हादसे को लेकर पूरे देश में लोगों ने दुख व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर मुख्यमंत्री हो, सबकी ओर से दुख व्यक्त किया गया है और मुआवजे का ऐलान भी यहाँ पर कर दिया गया है। जी जी आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सारे जो कहा जाए पूर्व मुख्यमंत्री, सभी लोग एक दुख व्यक्त किए हैं। जिस तरह से ये माना जाए एक मतलब हृदय विदारक एक घटना है, इस घटना को लेकर के पूरे कुशीनगर जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश लोग जो है इस तरह में दुख व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन केदार क्या आप जो आसपास लोग मौजूद हैं, मैं मानती हूँ ये बहुत मुश्किल की घड़ी है उनके लिए बात कर पाने की, लेकिन अगर आप किसी से पूछे कि उस वक्त आखिर वहाँ पर कैसे यह हादसा हुआ और क्या वो कुआं जिस पर महिलाएं खड़ी थी क्या वो हमेशा बंद रहता था, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि वहाँ पर स्लैब थी, यानी वो कुआं हमेशा बंद रहता होगा, और फिर वहाँ पर महिलाएं क्यों इस रस्म को पूरा करने के लिए पहुंची हुई थी? बता दे हमेशा वो स्लेब बंद रहता था, क्योंकि कुछ ऐसे जानवर न चले जाए ऐसे कुछ ले करके स्लेब लगा दिया गया था कुएं पे, जिसको काफी पहले वो कुआं को स्लेब बंद कर दिया जाता है उसी को लेकर के, क्योंकि कभी भी लोग आते जाते थे, लेकिन उतनी भारी संख्या में कभी लोग उस स्लेब पे चढ़ जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाया था। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा है, कई लोगों की इसमें जान गई है केदार, क्या मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने की भी कोई संभावनाएं जताई जा रही हैं? गांव ग्रामीण लोग जो है बता रहे हैं, चाहे जैसे भी मतलब कि इस तरह से सोशल मीडिया पे भी लोग आशाएं व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री कभी भी आ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन केदार मैं मानती हूँ ये बहुत मुश्किल वक्त है और बेहद परेशानी की उन लोगों के लिए घड़ी है, लेकिन आपके आसपास मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, अगर आप उनसे बातचीत करें, अगर वो कुछ बोलने को तैयार हैं तो वो घटनाक्रम बता सकते हैं, अगर किस तरह से वहाँ पर क्या कुछ हुआ। एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति से मैं बात करूँ। जी काफी अगल बगल ये नहीं, आप लोगों के बुला रहे हैं, रुक जाइए। बिल्कुल, तो मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हमारे जो संवाददाता हैं वो मौके स्थल पर ही पहुंच चुके हैं और ये बेहद दुखद हादसा कुशीनगर से सामने आया है जहां पर एक कुआं मौत का कुआं बन गया उस वक्त जब मेरे साथ एक गाँव के एक ग्रामीण है जिनके घर भी बगल में है, उनके घर भी डेट हुआ है, उनके घर के बगल में है। जी कैसे घटना घटी? अरे भाई वो माटी कोड़ने औरत गए थे जी,
मीनार था उसके ऊपर स्लिप रखा हुआ था। अब वो माटी कोड़ने देखने के लिए सब लोग स्लिप पर ऊपर चढ़े और स्लिप जो ही ऊपर चढ़े ज्यादा लोग जब चढ़े लोड ज्यादा बढ़ गया और स्लिप टूट गया, सारे लोग अंदर गिर गए। कैसे आप लोग इतनी तादाद में महिलाओं को निकाले? अरे क्या क्या वो चादर ले करके नीचे गिरा करके कुछ महिलाएं जो दिखाई दे रही थी उन लोगों को चादर पकड़ा करके खींच करके रस्सी द्वारा कुछ निकाले चार पांच लोगों को। उसके बाद कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद सीढ़ी लाए उसमें एक सीढ़ी डाल करके उसके बाद टैंकर आया, टैंकर से पानी निकाला गया तब धीरे धीरे एक एक लाश को हम लोग कीचड़ में से खींच खींच करके बाहर निकाले। एम्बुलेंस बता रहे हैं कुछ लोग बता रहे हैं बहुत लेट आया लाश जब चले गई। पुलिस वाले ने बहुत मेहनत किया, 100 नंबर की गाड़ियां ने सब लोगों को अपने गाड़ियां से लेकर जिले पर लेकर भेजवाया मगर एम्बुलेंस सब लाशें चल जाने के बाद लास्ट में एम्बुलेंस आई। जी बिल्कुल बिल्कुल केदार, अभी हमारे साथ में जो आपके साथ में जो लोग मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पर यही कहा और हम भी अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि पुलिस वाले तो वहां पर मौके पर पहुंच गए, जो पुलिस की गाड़ियां थी मौके पर पहुंच गई थी लेकिन एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने की बात कही जा रही है और जिसके चलते भी कई महिलाओं को बचाया नहीं जा सका। और तो ये बेहद भीषण हादसा सामने आया है और अब आपको बता दें कि कई महिलाओं की यहाँ पर मौत हुई है, कुल 13 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ चुकी है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि देने की बात यहां पर कही गई है और मौत का कुआं ये बन गया है। बिल्कुल केदार, हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं केदार, क्योंकि अब मॉर्चरी में ये बॉडीज रखी गई हैं, क्या पोस्टमार्टम वगैरह की बात सामने आ रही है? क्योंकि तैयारियाँ जो अंतिम संस्कार की होती हैं वो हम देख रहे हैं गाँव में कुछ लोगों के यहाँ पर शुरू हो गई हैं। जैसे आपको दिखा सकते हैं कि देखिए जिस तरह से तैयारी चल रही है। जी आपको बता दें कि मर्चरी हाउस में जितने भी डेड बॉडी थी रात को ही पीएम कर लिया गया था, पीएम करके और सुबह सुबह जो है सभी परिजनों को जो है डेड बॉडी सौंप दी गई है और सारे ग्रामीण अगल बगल गांव के लोग मिल करके अंतिम संस्कार के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी बेहद परेशानी का ये समय है और बेहद दुखद ये समय उन परिवार वालों के लिए भी जिन्होंने इस भीषण हादसे में अपनों को खोया है। लेकिन केदार बताया जा रहा है कि जो मृतकों की संख्या 13 बताई जा रही है उसमें कुछ लड़कियां, 9 लड़कियां और 4 महिलाएं हैं, क्या बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे? आपको बता दें कि 2 तो ऐसे मासूम बच्चियां हैं जो बिल्कुल ही छोटी बच्ची थी, बाकी को उम्र देखा जाए तो लगभग बालिक लड़कियां थी। लेकिन ये सबसे बड़ी घटना है कि केवल महिलाओं की मौत हुई है, 13 महिला केवल मौत हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है, बिल्कुल घायलों में भी महिलाओं की संख्या ही ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका केदार हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये कुआं मौत का कुआं उस वक्त बन गया जब 13 महिलाएं इस मौत के कुएं में समा गईं। और आपको बता दें कि कुशीनगर में हल्दी की रस्म हो रही थी, उस दौरान यहां पर महिलाएं इकट्ठा हुई थी रस्मों में एक हल्दी की भी रस्म होती है और इसी रस्म के दौरान ये कुआं मौत के कुएं में तब्दील हो